अल्बर्टा एनर्जी रेगुलेटर का कहना है कि पाइपलाइन लीक होने कारण 40,000 लीटर कच्चा तेल खाड़ी में आ गया। रेगुलेटर वालों अपनी वेबसाइट उत्ते आख्या गया कि यह घटना ड्रेटन वैली अल्बर्टा तो 14 किलोमीटर दक्षण वाल बॉन्टेरा एनर्जी कारपोरेशन की लाइन उत्ते वापरी है। यह भी आख्या गया कि इस लीकेज का पता लगन तो बाद लाइन बंद कर दी गई है। AER ने आख्या कि वाइल्ड लाइफ को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कैलगरी स्थित बॉन्टेरा के एक न्यूज रिलीज में आख्या गया कि उन्होंने वालों मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने दसाया कि तेल में वैक्यूम की मदद न हटाया जा रहा है, स्थानक लोगों के जंगली जीवों भी कोई खतरा ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वाशआउट खाड़ी उत्तरी सस्कैचेवन नदी में मिलती है, तो नदी एडमिंटन में पानी का मुख्य स्रोत है। बॉन्टेरा ने आख्या कि जिस थां उत्ते खाड़ी ते नदी मिलते हैं उत्थे इस तेल की सफाई के ज्यादा प्रबंध किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि साफ सफाई अगले 3 हफ्तों तक चलन की संभावना है।